सेवा दुहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता कश्यप पे। आज हम लोग जानेंगे बादल के बारे में, जो कि बस्तर जिला के आसना में स्थित है। तो हम लोग आज वहां का भ्रमण करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे और आखिर तक देखिए जरूर। फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं अपनी ओर से बताने की कोशिश करती हूँ और साथ ही आप लोगों का सहयोग और सुझाव भी आमंत्रित है इस हेतु। आदिवासी क्षेत्र की संस्कृतियों में हमारे बस्तर की संस्कृति की एक अलग पहचान है, जिसमें विशेष रूप से लोकगीत, लोक नृत्य, स्थानीय भाषा सा जैसा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जनजातीय संस्कृति को शुद्ध रूप से संरक्षण और संवर्धन करने के साथ ही शुद्ध रूप से इसके ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण 17 अक्टूबर 2020। स्थान के चयन के लिए बादल आसना, जो कि पहले मोटल के रूप में था, उसे संवर्धित किया गया और उसे पुनः उसकी संरचना को संवारा और सजाया गया। और इसमें बहुत सारे शिक्षा के रूप में जोड़ने के लिए खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के साथ इसका जुड़ाव और उसके साथ मान्यता की बात चल रही है, जो प्रक्रियाधीन है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा बादल एकेडमी में नृत्य और लोक संगीत के लिए साझा तौर पर कार्य किया जाएगा। बादल अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए बादल में बादल मड़ई का आयोजन किया जाता है, जो शुक्रवार और शनिवार को किया जाता है। इस शनिवार बादल मड़ई दूरवा संस्कृति की थीम पर आयोजित की जाएगी, जो जिसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सभी यहाँ उपस्थित भी हो और साथ में अपनी अपनी कला का यहाँ पर परिचय भी दें। आने वाले समय में यह इस बार धुर्वा संस्कृति पर आयोजित है। क्रम से सभी संस्कृतियों पर आयोजन इसका किया जाएगा। आप लोग स्वेच्छा से अपना नाम दे सकते हैं कि अगले शनिवार हमारा या इसके बाद हम इस मड़ई में हिस्सा बनना चाहते हैं, पर उससे पहले आप सभी आमंत्रित है 25 जून को आयोजित होने वाले बादल मड़ई के कार्यक्रम में, जो कि धुर्वा संस्कृति पर आयोजित है। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आप सभी से बादल को सहयोग अपेक्षित है। आपके पास एक लिस्ट के रूप में एक इस प्रकार से एक सूची दी जाएगी। यह एक सूची है जिसमें बादल ने अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 10 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है, जिसमें वो बिंदु होंगे लोक साहित्य, लोक संगीत, गोधना कला, इसी प्रकार म्यूजिक, डांस, अलग 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 इसके 10 बिंदु हैं जो इस सूची में अंकित हैं। बादल की मंशा ये है कि इसमें आप अपने समाज से ऐसे व्यक्तियों का नाम दें जो हमारे से जुड़कर इस क्षेत्र में आपके समाज से आप लोगों के बीच और हमारे बीच की कड़ी बन सके और शुद्ध रूप में आपकी बातें बादल तक लाएं और उसके बाद हम सभी मिलकर इसका सही ढंग से प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये लिस्ट जब आपको मिलेगी, हम चाहते हैं कि पूरे संभाग से, हर जिले से कम 10-10 व्यक्तियों के नाम इसमें आप वॉलंटियर्स के रूप में, जो सेवा भाव से, जो जुड़कर आगे अपनी ऊर्जा से बादल के साथ काम करना चाहते हैं अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन और पूरी दुनिया में इसको परिचित करवाने के लिए, अवश्य रूप से आप ऐसे 10 प्रतिभागियों का नाम, हर क्षेत्र में 10 बिंदु है और 10-10 ऐसे आप नाम वॉलंटियर्स के रूप में बादल को जरूर उपलब्ध कराएं, जिससे आने वाले समय में हम आपको बुला सकें और हम मिलकर कार्य कर सकें। ये 3 मुख्य बिंदु थे आज के इस विषय पर बात करने के लिए, जिनमें उम्मीद ही नहीं, मतलब पूरा आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग निकट भविष्य में आने वाले कुछ ही समय में इन जो म्यूजिक की वर्कशॉप है, कार्यशाला है, उसमें बादल मड़ई में अपनी उपस्थिति देंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में अपने वॉलंटियर्स के रूप में कम से कम इन जितने भी लिस्ट हैं इसमें अपने समाज के लोगों का नाम भी अवश्य देंगे।
अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो कृपया अपनी उपस्थिति बताइए मुझे कि बाहर से आए अने ताकि मतलब हमारे जो प्राचीन जो रूढ़ी परंपरा है गोदना, तो उसके उद्देश्य मतलब हलवा समाज में कैसे है, भद्रा समाज का चीनावाना कैसे है, गोया समाज का चीनावाना कैसा है, वो सब का मतलब विधिवत क्या है समाज के लोगों के द्वारा लिपिबद्ध हुआ है और हम लोग पूछते हैं और ट्रेनिंग भी लिए हैं। लगभग 50 विद्यार्थी जो अलग अलग क्षेत्र से बस्तर जिला के, उसमें हलवा धुआ जो भी सीखना चाहते हैं सब लोग आप यहाँ पर प्रशिक्षण लिए और अच्छा प्रशिक्षण हुआ। और उसका मतलब क्या है, अभी कल या आज उसका मतलब अभिलेखीकरण का उसका शुभारंभ भी होगा यहाँ पर। ये मुख्य रूप से गिटार वादन है, फिर मध्यमा है, लाइट म्यूजिक है, ऐसे 5 अभी ममता चंद्रा कराई हुई थी, इसका विधिवत हो गया है। अभी 1 वर्ष ही पाठ्यक्रम यहाँ पर बस्तर का जो जितने भी लुप्त हो रही संस्कृति, चाहे हल्दी से संबंधित हो, धुर्गी से संबंधित हो, कोया से संबंधित हो, अने सभी जनजातियों का जो गीत है, एक एक को चुन चुन के जो मतलब आज मतलब हमारे सामने नहीं है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भूल रही है, उसी को हम लोग दिल्ली बॉम्बे तक कैसे पहुंचाए। बादल का उद्देश्य है कि जो हमारा हल्बी गोटी धुरबी जो बस्तर का है वो भी मतलब क्या है पूरे देश के लोग जाने, उसके लिए क्या है वहां उसको मतलब संरक्षण करना, उसको लिपिबद्ध करना और आने वाले लोगों में उसको पहुंचाना, हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पाश्चात्य वाद्यों के साथ हम लोग कैसे जोड़े ताकि मतलब हमारा हल्बी गोटी गीत जो है बहुत अच्छा लगे, सुंदर लगे और लोग उसको सुने, तो इसके लिए भी प्रयास यहाँ पर होगा। तो इसके लिए देख रहे हैं आप अत्याधुनिक जो है, अभी थोड़ा सा इसमें साउंड लोग इसमें आ रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पर ग्लास रहेगा, इस बार गाएंगे लोग जो भी है उसके बाद वहाँ पर रिकॉर्ड होगा और उसके बाद साथ ही साथ इसका जो आपका विजुअल स्टूडियो जो आपका क्या बोलना चाहिए जैसे फिल्म बनते हैं उसका, ये तो ऑडियो वाला है केवल आवाज, साथ साथ में वीडियो स्टूडियो भी होगा उसमें बड़े बड़े कैमरे होंगे, उसके बाद जैसे बॉम्बे मद्रास इस स्तर के यहाँ पर सब काम, लेकिन एक क्योंकि अभी पाया कोर्ट से धीरे धीरे थोड़ा सा डिग्री कॉलेज बनेगा तो बहुत काम होगा। और यहाँ पर सीखने वाले लोग रहेंगे हर क्षेत्र से, जी 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 आप लोगों के उस साइड में भी आएंगे। और ये यहाँ तक का जो संगीत विभाग पूरा है और वो मेरे प्रभार से जितने भी संगीत से संबंधित है, और ये छोटा सा मेरा आप यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये मेरा इतना जो यहाँ पर तीस भवन का
यहाँ पर मुठभेड़ हुआ, कई अंग्रेजों को घायल किए, नुकसान किए, किसी को नुकसान होने नहीं देते थे। ये बताया जाता है कि जब कोई हमारा अपनी गांव नदी किनारे इंद्रावती के पास कोई बीमार था, उसको इलाज करने आए थे अंग्रेज लोग, तो पहले तो नदी पार घेर के उस पार मार आया था, जहाँ नहीं था वहाँ इनको मार के शहीद किया गया। उनके सम्मान में झाड़ा किरा हमारे बस्तर क्षेत्र के जो भी हम लोग जानते हैं ऐसे क्रांतिकारी आदिवासी जो भी शहीद हुए बस्तर के लिए, देश के लिए काम किए, उनके नाम से सभी भवन और उनका नाम रखा है। आइए दूसरी चीज जो लोक नृत्य की भी हम बात करते हैं, तो कुछ कलाकार हैं, कुछ हमारी दल हैं जो कि अच्छा करते हैं, लगातार अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको भी चाहे सुविधा के अभाव हो, चाहे प्लेटफॉर्म का अभाव हो, वो लोग भी धीरे धीरे नए बच्चे बनना चाहते हैं क्या कलाकार? आप बताइए, आपकी परंपरागत जो नृत्य है, परंपरागत जो आपके लोकगीत हैं, उसको नए बच्चे जो आपकी युवा पीढ़ी है वो कैसे आकर्षित हो उसकी तरफ? हमको ऐसी पृष्ठभूमि बनानी है। तो बादल का पहला काम संरक्षण है, उसमें मैं सबसे ज्यादा तो पहले बधाई दूंगा अब हमारे बस्तर जिले के समाज के जितने प्रमुख हैं, क्योंकि वो शुरू से लगातार आज हम जो यहाँ बैठे हैं 2 साल से इस पे मेहनत हो रही है, और सिर्फ मेहनत सिर्फ बिल्डिंग बनाने की नहीं होती, इसके बिल्डिंग के अंदर जान भरने का काम हमारे बस्तर जिले के समाज के सारे समाज के प्रमुख करें, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। उसमें संभाग के भी आपके अध्यक्ष लोग भी सब शामिल है, कश्यप जी भी है, इस टाइप से बहुत लोग शामिल हैं। सबसे पहले आज की डेट में मैं हमारे गणमान्य जो अतिथिगण है, मुख्य अतिथिगण है, सबसे ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग सर सारे जितनी सामाजिक जो बोली भाषा है, ताना बाना है, रहन सहन है, लोक नृत्य है, सबका दस्तावेजीकरण लगभग लगभग पूर्ण हो गया है आज की डेट में। तो ये पहला कदम था हमारा कि भाई हम संरक्षण की बात तो तब करें जब हमको पता होगी क्या है, तो सबसे पहले दस्तावेजीकरण करना था, तो आप लोगों ने मिलकर के पहला कदम पूर्ण कर लिया है। अब दूसरा कदम है संवर्धन का, बढ़ावा देने का। वो कैसे बढ़ावा देंगे? जब अब यहां हम बैठे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म, जैसे कल ही एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, बाहर से भी बैंड आ रहा है, और हमारे कलाकार को वैसा एक मंच मिल रहा है कि कुछ अलग करके उसको यूट्यूब या अलग माध्यम से उसको दें। तो प्लेटफॉर्म बादल के माध्यम से अभी हम दे रहे हैं, 25 तारीख से बादल मड़ई शुरू कर रहे हैं, हर शनिवार, शुरुआत अभी इससे की है, आगे और अच्छा होगा तो और करेंगे, हर शनिवार को शाम के समय एक बादल की मड़ई होगी। हर दिन, हर शनिवार का हम लोग थीम पहले से डिसाइड कर लेंगे, जैसे इस शनिवार को धुरवा थीम पे, धुरवा पे है ना, इस शनिवार धुरवा है, अगला भद्रा समाज का, इस तरह से सभी समाज का एक एक बारी बारी नंबर आएगा। उसमें क्या होगा, जैसे धुरवा समाज वाले इस 25 तारीख को कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं जगदलपुर में रहता हूँ या फिर कोई पर्यटक हूँ दिल्ली से जगदलपुर में आया हुआ, तो 5 बजे में मेरे को एक पैकेज मिले, एक फिक्स रेट मिले, 100 रुपया 200 रुपया बहुत ज्यादा ना हो, यहाँ पर वो आए, परिवार सहित आता हूँ मैं, यहाँ पर धुरवा समाज का क्या रहन सहन है, क्या ताना बाना है, क्या बोली भाषा है, यहाँ पर उनका नृत्य क्या है, वो मुझे देखने को मिले, मुझे नृत्य उनके साथ करने को मिले। आजकल क्या है, सेल्फी का जमाना है, सेल्फी खींच के आदमी डालता है, कोई भी कल्चर का कोई भी वो, आप भी बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सब में सेल्फी रहता है, तो कोई भी पर्यटक आ रहा है तो हमारी संस्कृति को पहले पहचाने, उससे फायदा क्या है, पहला तो बादल मड़ई में, मान लीजिए धुरवा समाज अब कल को 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम करा रहा है, उस समाज के युवा वर्ग कम से कम 100-150 लोग तो लगेंगे इस इतना बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए, तो पहले तो युवा वर्ग हमारे साथ मिले जुले आए, एक साथ आए, तो जो एक माहौल बना, एक प्लेटफॉर्म बना। दूसरा, जो बाहरी लोग आएंगे, हो सकता है गैर आदिवासी समाज के भी लोग आए, हो सकता है गैर धुरवा समाज के आदिवासी लोग आए, एक हमारी एक जागरण बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में, ज्यादा जानकारी होगी। तीसरा, धीरे धीरे हम लोगों को बस्तर की जो पहचान नक्सलवाद से, हिंसा से हो गई है, उसको बदलना है, वो एक दिन में नहीं बदलेगी, वो आप लोगों के निरंतर प्रयास से बदलेगी, जो प्रयास मैं चाहता हूं बादल के माध्यम से आप लोग करें, तो ये अभी अपने को काम है। तो आप लोगों से आज मुझे
कलेक्टर की हैसियत से एक प्रमुख काम आप लोगों को देना है, लेने को तैयार हो? काम करना पड़ेगा। अगर बादल को सफल कौन लोग बनाना चाहते, जो पहली बार आए वो बताओ। बादल तभी सफल होगा। अच्छा, एक लाइन में मैं अपना उत्तर खुद दे देता हूँ। बादल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों, क्या है बादल का पर्पज, पते के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन की सारी योजनाएं यहाँ पहुंच रही हैं, लोगों तक जा रही हैं, लेकिन एक आवश्यकता है बस्तर की, जो आपने बोला मूल निवासी, बस्तर के मूल निवासी का जो संस्कृति है, उनका जो सोच है, उनका जो पूरा व्यवहार है, सारी चीजें उनको लेके उनको बीच में रखना है, उसके अराउंड हमको पूरा विकास का कार्य करना है। उदाहरण स्वरूप यदि हम आज की डेट में ये देखते हैं कि बस्तर में सबसे ज्यादा अनीमिया है, बस्तर में सबसे ज्यादा